Welcome to Global Education, Social Studies, Class 9, Chapter 19, Gujarat State Board of School Textbooks, Human Life, India, Human Life. तो इंडिया के बारे में अगर हम आते हैं, इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, दुनिया में किधर लोकेटेड है, तो वर्ल्ड के मैप में एशिया में सदर्न साइड पे, नीचे की साइड पे एशिया लोकेटेड है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आता है, लेकिन इन एशिया इट इज ऑन द सदर्न साइड. ठीक है, इंडिया में बेसिकली तीन सीजन होते हैं, कोल्ड सीजन, वार्म, रेनी सीजन. तो तीन सीजन है और इसका सब डिविजन्स होता है, इन सीजन्स के सब डिविजन्स होते हैं. यानी कि आपने क्लाइमेट वगैरह में पढ़ ही लिया है, तो अभी इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम वीडियो को. ये चैप्टर छोटा सा ही है, तो इसको छोटा सा ही रहने देंगे. तो रिलीफ फीचर्स जो होते हैं वो जैसे आपका माउंटेनियस है या क्या है, उसके ऊपर सारा क्लाइमेट डिपेंड करता है, और उसके ऊपर सारी चीज़ें और भी चीज़ें डिपेंड करते हैं. अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में कि और क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती है. माउंटेन है, डेजर्ट है, इस तरीके से बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है हमारी. कहीं पर पेनिनसुला है, कहीं पर सी है, कहीं पर रिवर है, कहीं पर लेक है, कहीं पर अपर हायर ग्राउंड है, कहीं पर लोअर ग्राउंड है. तो अलग अलग टाइप की रिलीफ फीचर्स, वो भी हमने पहले पढ़ लिया हुआ, क्लाइमेट भी पढ़ लिया हुआ है. तो अगर हम अपनी कंट्री को देखें तो हमारी कंट्री बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर भी जाता है और सियाचिन वगैरह में 30 डिग्री माइनस भी जाता है. तो इस तरीके से अगर देखें तो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है. और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अभी तक हमने आज आपके साथ में जो पढ़ा हुआ है वो लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, ऐसे सब में पढ़ा हुआ है. तो डाइवर्सिटी यहाँ पर जो टोपोग्राफी है, जो रिलीफ फीचर है, उसमें भी आता है. और इंडिया की मल्टी कलर डायमेंशनल चीज़ें हैं इंडिया में, अभी हम पढ़ेंगे. तो डाइवर्सिटी जो है उसके अलावा फूड में भी आती है, ड्रेसिंग में भी आती है, ड्वेलिंग यानी कि किस तरह का घर में आप रहते हो. हर एरिया में अलग अलग टाइप के घर बनते हैं जो उस एरिया के क्लाइमेट के अनुसार सूटेबल होते हैं. फिर लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी आती है. अगर लैंग्वेज सेम है, मान लीजिए आपकी सबकी लैंग्वेज गुजराती है, लेकिन उसमें भी डायलेक्ट अलग है. राजकोट साइड पे अलग डायलेक्ट में बोलते हैं, सूरत साइड पे अलग डायलेक्ट में बोलते हैं, और नवसारी साइड पे अलग डायलेक्ट में बोलेंगे, बड़ौदा साइड पे अलग, अहमदाबाद साइड पे अलग. तो थोड़ा थोड़ा डायलेक्ट अलग हो जाएगा उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में भी. और फेस्टिवल्स और हॉलीडेज जो है, होली डेज जो फेस्टिवल जो वो लोग पूजा करते हैं, जिस भगवान की भी पूजा करते हैं, वो सब में विभिन्नता आ जाती है. वो सेम फेस्टिवल भी मनाएंगे तो उसमें भी विभिन्नता आ जाती है, उसमें भी डिफरेंसेस आ जाते हैं रीजन रीजन पे, विद इन द स्टेट ऑल्सो. लेकिन कर करा के हम सब इंडियंस हैं. ये सब चीज़ों से अगर हम ऊपर उठ के देखते हैं तो हम इंडियंस हैं, एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस. तो फूड, ड्रेसिंग एंड लाइफस्टाइल के ऊपर अगर हम देखें तो बेसिक चीज़ें पहले हम सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद में हम रीजन्स में घुसेंगे, उसके बाद में फाइनल डिटेल्स में घुसेंगे. तो ड्रेसिंग जो है वो रिलीफ या क्लाइमेट के ऊपर, रिलीफ यानी कि ऊंचा है, पहाड़ी एरिया है, या सी शोर है, या क्या है उसके, या डेजर्ट है, उसके अनुसार डिपेंड करता है. और फूड और ड्रेसिंग भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत भारी तरीके से डिपेंडेंट है रिलीफ और क्लाइमेट के ऊपर. अब फूड की अगर बात करें तो फूड में स्टेपल कहीं पे भी सी कोस्ट आ जाए ना किसी भी एरिया में, तो आँख मूंद करके राइस एंड फिश लिख देना. आप टेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, कहीं पे भी कोस्टल एरिया आ जाए तो कोस्टल एरिया कहाँ पे आएगा, पेनिनसुला में ही आएगा. मतलब गुजरात से लेके नीचे महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, केरला, देन ऊपर उठे दूसरी तरफ ईस्टर्न कोस्ट पे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल. तो किसी भी कोस्टल एरिया में अगर आप देख लो तो
आप राइस एंड फिश लिख दीजिएगा बेधड़क। फिर मेन क्रॉप जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब का, गुजरात मध्य प्रदेश पंजाब, ये एक तरीके से एक बेल्ट लगा लीजिए आप मैप में, तो ये एक स्क्वायर सा फॉर्म हो जाएगा आपका। यहाँ पे वीट उगता है सबसे ज़्यादा, तो जब वीट सबसे ज़्यादा उगता है तो यहाँ पे खाया भी वीट ज़्यादा जाता है। फिर ड्रेसिंग देखें तो फिर अब ड्रेसिंग में जनरल ड्रेसिंग, अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया की, किसी स्पेसिफिक रीजन के साथ में नहीं एसोसिएट कर रहे, तो जनरल ड्रेसिंग में जहाँ पे माउंटेनियस और कोल्ड रीजन होएगा वहाँ पे लोग पहनेंगे वूलन और ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बाजू पूरे टांगों को कवर करके बैठेंगे, तो वो वूलन प्लस कवर एंटायर बॉडी, ये तो ड्रेसिंग में कोल्डर एंड माउंटेनियस रीजन में आ जाएगा। और जहाँ पे हाई टेम्परेचर होएगा, यानी कि जैसे पूरे इंडिया में हाई टेम्परेचर होएगा सिवाय टॉप के पार्ट में, नॉर्दर्न एरिया के टॉप के पार्ट में कोल्डर रीजन है, उसके अलावा नीचे जैसे हम आएंगे तो हॉट रीजन आ जाएगा। अब राजस्थान के थार डेजर्ट से लेके नीचे तक जो है पेनिनसुला में केरला तक, तमिलनाडु केरला तक हॉट रीजन आएगा। हॉट रीजन में लोग लाइट कलर्ड और लूज फिटिंग कॉटन पहनना पसंद करते हैं। फिर मेन जो है वो शर्ट एंड ट्राउज़र पहनते हैं। आजकल जनरल ड्रेसिंग इंडिया की यही है, शर्ट एंड ट्राउज़र, ट्राउज़र यानी कि पैंट, जिसको आप जनरल टर्म में पैंट कहते हो, वो अब आता लगे कि आप उसको जीन्स कह दो, पैंट के बदले जीन्स पहनने पसंद करते हैं यंगर जनरेशन, तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इन जनरल अगर आपको तो शर्ट एंड ट्राउज़र। और वुमेन जो है सलवार कमीज, सलवार कमीज बेसिकली आता है पंजाब हरियाणा के एरिया से, लेकिन वो अब इतना प्रचलित हो चुका हुआ है कि डाउन साउथ तक जो वुमेन है वो सलवार कमीज प्रेफर करती हैं, जबकि इंडिया की बेसिक ड्रेस अगर देखा जाए तो वो साड़ी कहलाएगी या फिर वो लहंगा टाइप का, वो डिफरेंट एरिया में उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोला जाता है, कहीं पे कितना कपड़ा लगता है लहंगे में, कहीं पे कितना लगता है, तो बेसिक ड्रेस जो है वो साड़ी या लहंगा और ब्लाउज़ होता है, लेकिन अब जो है जनरल ड्रेस सलवार कमीज आ गया है पूरे इंडिया में। और ये सारी चीज़ों के हिसाब से अगर फूड, ड्रेसिंग, लाइफस्टाइल, ये सब फेस्टिवल्स, ये सब से के हिसाब से अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं इंडिया को, तो जनरली देर आर फोर जोन्स लाइफस्टाइल के हिसाब से। वन इज़ वेस्टर्न जोन, देन नॉर्दर्न जोन, देन सदर्न जोन, देन ईस्टर्न जोन। आप उसको वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वेस्ट, साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट, इस तरीके से आपको वो डिस्क्रिमिनेट करना है। अब वेस्टर्न रीजन के अंदर अगर हम डिटेल में आए कि फोक लाइफ क्या है वहाँ की, तो सबसे पहले तो हम उसमें एरिया क्या है, क्या एरिया को हम वेस्टर्न रीजन में कंसिडर करते हैं, तो वेस्टर्न रीजन में हम कंसिडर करते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, तो ये पार्ट को हम वेस्टर्न इंडिया में कंसिडर करते हैं। राजस्थान का, अभी हम उसमें फूड में आते हैं, तो राजस्थान का फूड जो है वो है दाल बाटी और मिलेट, मिलेट हो गए जो जैसे मक्का यानी कि भुट्टा यानी कि मेज, इस तरीके के रागी, भुट्टा, इस तरह के बाजरा, जवार, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं उसको मिलेट कहते हैं। तो स्टेपल फूड राजस्थान का दाल बाटी और मिलेट है। ब्रेकफास्ट में वो ज़्यादातर खाते हैं मारवाड़ी कचौड़ी, तो ये उनका बेसिक फूड आइटम है। गुजरात का अगर स्टेपल फूड कहे तो वो रोटी, भाकरी, जो मोटे आटे की रोटी होती है वो भाकरी कहलाती है, तो भाकरी। फिर वेजिटेबल्स, दाल, राइस, खिचड़ी कड़ी। कच्छ एरिया में अगर आप जाओगे तो सौराष्ट्र एरिया में, कच्छ एरिया में, तो वहाँ पे खिचड़ी कड़ी बहुत खाते हैं। फिर ब्रेकफास्ट में गुजरात में खाया जाता है खमन, गाठिया, ये सब खाया जाता है ब्रेकफास्ट में, खमन, ढोकला, गाठिया, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें खाई जाती है। महाराष्ट्र में अगर हम जाते हैं
तो महाराष्ट्र में जो ब्रेकफास्ट है वो सेव उसल का होता है। फिर अलोंग द सी कोस्ट, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या गोवा हो या कुछ भी हो पूरे इंडिया भर में, अभी हम वेस्टर्न रीजन में, इसके लिए गुजरात महाराष्ट्र गोवा तीन में ही सी कोस्ट आता है इस एरिया में, तो वहाँ पे राइस एंड फिश। ड्रेस में अब हम आते हैं वेस्टर्न रीजन की ड्रेस में, तो राजस्थान में डेजर्ट और ड्राई रीजन है, जैसे हमने कहा कि रीजन वाइज और टोपोग्राफी वाइज रिलीफ क्लाइमेट ये सब के ऊपर ड्रेस जो है वो डिपेंडेंट रहती है। तो राजस्थान में डेजर्ट और ड्राई रीजन है, तो यहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी कम है क्योंकि वहाँ पे पानी कम है, इसके लिए वेजिटेशन भी कम है, पेड़ पौधे ये सब थोड़े कम है, तो लेकिन पेड़ पौधों से हरियाली आती है और उसके फ्रूट्स और फ्लावर्स कलरफुल होते हैं, वो चीज़ें थोड़ी कम है वहाँ पे, लेकिन वो चीज़ों को कॉम्पेंसेट करने के लिए राजस्थान के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कलरफुल ड्रेसेस पहन लेते हैं। कहीं पे तो कॉम्पेंसेट करना है, ड्रेसिंग में ही कॉम्पेंसेट कर लिया भैया, इतना हरियाली नहीं है, इतने कलरफुल फल फूल वेजिटेबल्स और क्या कहते हैं फ्लावर्स नहीं है, तो क्या हुआ, ड्रेसेस में ही कलर भर लेते हैं हम। जो मेन हैं आदमी जो हैं राजस्थान में वो पहनते हैं धोती अंगरखा, फिर पगड़ी, कलरफुल हेड गियर, उनकी पगड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, हर एरिया की पगड़ी डिफरेंट होती है, गुजरात की पगड़ी भी डिफरेंट होएगी, पंजाब की पगड़ी भी डिफरेंट होएगी और राजस्थान की पगड़ी भी डिफरेंट होएगी। राजस्थान की पगड़ी जो है वो थोड़ी डिफरेंट रहती है और बहुत ही कलरफुल पगड़ी पहनते हैं वो। फिर औरतें जो हैं विमेन वो पहनती हैं पेटीकोट, पेटीकोट में वो घेरा ज़्यादा रखती है, लार्जर सर्कमफ्रेंस रखती हैं, जैसे लहंगा हो जाता है ना उस तरह का, तो उस तरीके का बड़े घेरे वाला या बड़ा सर्कमफ्रेंस वाला पेटीकोट, ब्लाउज, ओढ़नी ये पहनते हैं। फिर फुटवेयर जो है वहाँ पे कैमल बहुत है और कैमल के चमड़े से बना हुआ मजोड़ी करके उसको कहते हैं, वो टाइप की चप्पल या फुटवेयर पहनते हैं और उस तरह का, और भी जो कैमल हाइड से बना हुआ जो फुटवेयर होता है वो ज़्यादा पहना जाता है। अब गुजरात में आए तो आदमी गुजरात में पहनते हैं धोती कुर्ता, कुर्ता उनका थोड़ा शॉर्ट होता है, अगर आप सौराष्ट्र साइड पे जाते हैं राजकोट सौराष्ट्र और कच्छ में तो कुर्ता थोड़ा छोटा हो जाता है और कुर्ते फ्रॉक जैसा हो जाता है, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो धोती कुर्ता, वाइट कैप या टर्बन, टर्बन जो गुजरात में पहनी जाती है वो वाइट कलर की ज़्यादातर होती है, यानी कि पगड़ी पग, और राजस्थान में कलरफुल होती है, ठीक है, दोनों की पगड़ी में थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। और औरतें जो होती है गुजरात में वो साड़ी पेटीकोट ब्लाउज ज़्यादातर ये पहनती है। फिर हम आते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आदमी पहनते हैं धोती पहरान, फिर कैप या टर्बन, जी गांधी कैप जैसी कैप वहाँ पे पहनी जाती है महाराष्ट्र में काफ़ी, तो वो कैप एंड टर्बन, टर्बन तो पगड़ी हो गई, पगड़ी तो पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा पहनी जाती है। फिर औरतें जो होती है वो साड़ी पहनती है, महाराष्ट्रियन साड़ी जो होती है वो टिपिकल साड़ी होती है एक, जिसमें साड़ी पहनने के बाद में वो बीच में से वो पीछे ले जाते हैं और पीछे बांध देते हैं, तो वो टिपिकल एक मराठी स्टाइल की साड़ी होती है, तो वो मराठी साड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसको क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मराठी साड़ी कह लीजिए आप, महाराष्ट्रियन साड़ी कह लीजिए। तो फिर मध्य प्रदेश में आते हैं, तो मध्य प्रदेश का जो ड्रेसिंग सेंस है वो अपने नेबरिंग स्टेट से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, गुजरात महाराष्ट्र इन सब से काफ़ी मिलता है मध्य प्रदेश का ड्रेसिंग सेंस। गोवा में जाएं, गोवा में थोड़ा सा ना वेस्टर्न टेस्ट आ जाता है ड्रेसिंग में, वेस्टर्न इफेक्ट, वेस्टर्न लुक, वेस्टर्न टेस्ट, कुछ भी कह लीजिए आप, तो आदमी का वैसे जो है
वो धोती और पहरन पहनते हैं वो, औरतें जो होती है वो साड़ी पेटीकोट और ब्लाउज, लेकिन विद अ वेस्टर्न टेस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं ड्वेलिंग यानी जहाँ पे रहते हैं, वो ड्वेलिंग के ऊपर आए। तो राजस्थान में बरसात बहुत कम होती है, तो ज़्यादा रूफ टॉप पे स्लोप की ज़रूरत नहीं है, फ्लैट टॉप के घर बनते हैं। और रूरल एरिया में जो घर बनते हैं वो ग्रास और मड के होते हैं, झोपड़ी टाइप के। तो गुजरात में हम आते हैं तो गुजरात में मॉडर्न टाइप की बिल्डिंग्स बनती हैं, ब्रिक और सीमेंट की। कच्छ में अगर हम जाएं तो कच्छ में भूंगा करके एक होता है, जो गोल सा बनाया जाता है और ऊपर घास वगैरह की रूफ बनाई जाती है उसमें। और ये फेमस इसलिए हुआ क्योंकि जब 2001 जनवरी 26 26 जनवरी को जब अर्थक्वेक आया था, बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था, तो तब भी ये घर जो थे ना भूंगा ये नहीं गिरे थे। बाकी सब टाइप के घर गिर गए थे लेकिन भूंगा नहीं गिरे थे। इसके लिए ये बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, या उस एरिया की कंस्ट्रक्शन ऐसी है जो उस एरिया के अनुसार साइंटिफिकली पुराने ज़माने से बनाई गई है। पुराने ज़माने में भी बहुत बढ़िया साइंस होती थी, तो इसका इम्पोर्टेंस ज़रूर ध्यान रखिएगा, या आपके टेस्ट में भी आ सकता है भूंगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा में जो शहरी एरिया अर्बन एरिया जो है वहाँ पे तो बहुत सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ में अच्छे भले घर बनाए जाते हैं। अब फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस एरिया के लोग जो है ना, वो दूर दूर उनके घर होते हैं, हट्स, झोपड़ियाँ। फिर महाराष्ट्र के कोंकण एरिया में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो वहाँ पे स्लांटिंग रूफ आएगी। जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बरसात होएगी ना वहाँ पे स्लांटिंग रूफ आएगी, जहाँ पे बर्फ़ गिरेगी वहाँ पे भी स्लांटिंग रूफ आएगी। तो वहाँ पे महाराष्ट्र के कोंकण एरिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बरसात गिरती है, इसके लिए स्लांटिंग रूफ वाले घर बनते हैं। अब हम आते हैं लैंग्वेज पे, वेस्टर्न रीजन की लैंग्वेज। राजस्थान में हिंदी और मारवाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, मारवाड़ी लैंग्वेज मारवाड़ एरिया में ही बोली जाएगी। तो राजस्थान में हिंदी एंड मारवाड़ी, गुजरात में गुजराती और कच्छी, मतलब कच्छ एरिया में जो है वो कच्छी डायलेक्ट के साथ गुजराती बोली जाती है। लैंग्वेज तो गुजराती है लेकिन डायलेक्ट अलग-अलग हो जाता है। जैसे अगर आप साउथ गुजरात की तरफ जाएंगे तो नवसारी और बियॉन्ड में जाएंगे तो डिकरा डिकरा बोलते हैं, तो उस तरीके से डायलेक्ट जो है वहाँ का कच्छ का कच्छी डायलेक्ट हो जाता है। फिर मध्य प्रदेश में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, सिंपल है। महाराष्ट्र और गोवा में मराठी बोली जाती है, और कोंकण एरिया जो है, कोस्टल एरिया जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पे कोंकणी बोली जाती है। अब कोंकण एरिया जो है महाराष्ट्र में भी आता है और कर्नाटका में भी आता है, तो वहाँ पर कोंकण एरिया में कोंकणी बोली जाएगी, चाहे वो महाराष्ट्र में आए चाहे कर्नाटका में आया। लेकिन यहाँ पे अभी हम वेस्टर्न एरिया में बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्न एरिया में महाराष्ट्र में या गोवा में कोंकण एरिया जो आता है वहाँ पे कोंकणी। तो रीजनल डायलेक्ट जो होता है ना, वो किसी भी स्टेट में जाओगे वो थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े दूरी पे डायलेक्ट चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज सेम रहेगी लेकिन डायलेक्ट थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाके चेंज हो जाएगा। जब आप उस एरिया में जाओगे तो आपको, जब लोगों से बात करोगे इस एरिया के, तो आपको पता चलेगा कि वो लैंग्वेज तो वही बोल रहे हैं लेकिन डायलेक्ट उनका थोड़ा बहुत डिफरेंट है, और उसके कारण आपको थोड़ा बहुत समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है। फिर वेस्टर्न एरिया, वेस्टर्न रीजन का फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस पर अगर हम आए, पहले हम जनरल बात करते हैं, वेस्टर्न एरिया से हटके जनरल बात करते हैं। तो कालिदास जो है वो एक बहुत बड़े कवि रहे हैं इंडिया के। कालिदास ने कहा है कि ह्यूमंस जो हैं, आदमी जो है, इंसान जो है, उसको फेस्टिवल बहुत पसंद है, और इंडियंस को तो खासकर फेस्टिवल्स और होली डेज,
हॉलीडेज़ और हॉलीडेज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। हॉलीडेज़ मतलब आपके धर्म के अनुसार जो आपका पवित्र दिन है वो उसको हॉलीडेज़ कहा जाता है। तो बहुत सारे धर्म हैं इंडिया में, डाइवर्सिटी बहुत है और बहुत सारे धर्म हैं, और वो धर्म में भी सेम धर्म होएगा लेकिन अलग अलग एरिया में, अलग अलग रीजन में उसको सेलिब्रेट, फेस्टिवल भी सेम होएंगे लेकिन उसको सेलिब्रेट अलग अलग तरीके से करा जाएगा। किस वही धर्म होएगा, किसी में एक किसी जगह पे एक फेस्टिवल को ज़्यादा सेलिब्रेट करा जाता है तो किसी जगह पे दूसरे फेस्टिवल को ज़्यादा सेलिब्रेट करा जाता है। आप कहोगे कि इंडिया में दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे भी रहेंगे जहाँ पे दिवाली इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं रहेगा, वहाँ पे ओणम, विशु, ऐसे सब फेस्टिवल ज़्यादा इम्पोर्टेंस के आ जाएंगे। तो हर एरिया में अलग अलग फेस्टिवल को इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। कहीं पे दिवाली की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी तो कहीं पे ओणम और विशु की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। हालांकि दिवाली पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करी जाती है, इंडिया में आप ये लगा लीजिए 95-96% एरिया में दिवाली सेलिब्रेट करी जाएगी, लेकिन किसी एरिया में नहीं सेलिब्रेट करी जाती है इतनी ज़्यादा। सेलिब्रेट करेंगे लेकिन उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। तो हर एरिया का फेस्टिवल और हॉलीडेज अलग रहेंगे। अब इंडिया का जनरल फेस्टिवल्स अगर हम कह लें तो वो, या वेस्टर्न रीजन का भी जनरल फेस्टिवल कह लें, दोनों चीज़ के ऊपर ये चीज़ फिट बैठेगी। लेकिन अभी हम क्योंकि वेस्टर्न रीजन में हैं तो हम कह के कि वेस्टर्न रीजन में दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, महावीर जयंती, पटेटी, चेटीचांद, बुद्ध जयंती, ये सब बहुत इम्पोर्टेंस में आते हैं। तो अब हम आते हैं स्टेट वाइज। राजस्थान में, राजस्थान में फोक डांस थोड़े अलग तरीके के होते हैं। मेन फेस्टिवल आपने देखा ही होगा, एक पिक्चर भी आई थी उसमें एक डांस बहुत फेमस हुआ था, घूमर डांस। तो फिर उस तरीके के कच्ची घोड़ी, काल बेलिया डांस की बात करें तो राजस्थान के फोक डांस में घूमर, कच्ची घोड़ी, आपने देखा होगा कि वो एक आदमी या एक औरत जो है एक घोड़े जैसा अपना पहन लेता है, उसके जो घोड़े का सिर जो होता है वहाँ पे वो आदमी का पेट के ऊपर की बॉडी आ जाती है, बेल्ट के ऊपर की बॉडी आ जाती है, और वो घोड़े को लेके दौड़ता है, वो डाकुओं वगैरह से लड़ाई कर रहा है अलग अलग गानों के ऊपर। तो वो होता है कच्ची घोड़ी। फिर वैसे ही कालबेलिया एक डांस होता है वहाँ का, घूमर तो आपने सब जान गए एक मूवी के वजह से शायद। तो उसी तरीके से वहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं राजस्थान के उसमें आ जाता है होली, फिर गणगौर। गणगौर एक क्या कहते हैं, संस्कृत का वर्ड है जिसमें शिव और पार्वती के ऊपर से ये है, शिव और गौरी या पार्वती के ऊपर से ये है, तो उसके ऊपर ये फेस्टिवल है। फिर गुजरात में फोक डांस में अगर हम आए तो आप कैसे भूल सकते हो रास गरबा, डांडिया, ये सब। तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित फेस्टिवल है वो है गणेश चतुर्थी। फोक डांस वहाँ का लावणी है। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि, वहाँ पे उज्जैन नाम की एक जगह है जहाँ पे महाकाल, बहुत बड़ा शिवजी जी का मंदिर है महाकाल का, तो वहाँ पे शिवरात्रि का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। अब हम आते हैं फेयर्स। भाई इंडिया है तो मेला तो लगेगा ही, फेयर तो लगेगी ही। तो फेयर जो है वो अलग अलग टाइप की फेयर लगी जाती है। फेयर सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं, वो बिजनेस के लिए भी होती है। तो राजस्थान में जो फेयर लगती है वो कैमल ट्रेड, वहाँ पे ऊँट बहुत होते हैं और ऊँट को बेचा खरीदा भी जाता है। तो ऊँट बेचने खरीदने के लिए वहाँ पे पुष्कर नाम की एक जगह है,
अजमेर के पास में, अजमेर से थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर में पुष्कर है, तो पुष्कर में ये मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा, फुल मून डे, कार्तिक का महीना यानी कि दिवाली वाले महीने में पूर्णिमा, दिवाली कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन आती है, नो मून्स डे पे आती है, ये जो है पूर्णिमा के दिन फुल मून डे सेम महीने में फुल मून डे पे आता है। तो पुष्कर में कैमल ट्रेड के लिए पुष्कर का मेला लगाया जाता है, वहाँ पे ऊँट खरीदे बेचे जाते हैं। गुजरात के सिद्धपुर में भी कैमल ट्रेड का मेला लगता है, वही कार्तिक पूर्णिमा पे, फुल मून डे पे। यहाँ पर भी ऊँट यानी कि कैमल खरीदे बेचे जाते हैं उसमें। फिर है धोलका तालुका में डोंकी, गधा बेचा खरीदा जाता है, ये है वत्था, वत्था जगह है वहाँ पर ये करा जाता है। फिर तारनेतर नियर थानगढ़, वहाँ पे भी मेला लगता है, बड़ा मेला। फिर भावनाथ फेयर जूनागढ़ में लगती है, डांग दरबार डांग में लगता है। फिर बाढ़ भुट जो है वागरा तालुका भरूच में, वहाँ पर 18 साल के बाद में, हर 18वां साल में एक अधिक मास होता है, एक एक्स्ट्रा मंथ होता है, एक एडिशनल मंथ होता है, जिसको कहते हैं भदारवो महीना। तो वहाँ पे हर 18 साल के बाद में एक अधिक मास में अधिक नाम का एक मेला लगता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ और अर्ध कुंभ मेला लगता है। महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ और अर्ध कुंभ मेला लगता है। गोवा में तो कार्निवल्स बहुत होते हैं दिसंबर के महीने के आसपास में, दिसंबर एंडिंग में, तो बहुत ही रंगीन मेले रहते हैं सारी तरफ, फेयर्स मेले। अब हम आते हैं नॉर्दर्न रीजन पे, नॉर्दर्न रीजन की फोक लाइफ। नॉर्दर्न रीजन को अगर हम डिफाइन करें, उसमें कौन से स्टेट्स या एरियाज आएंगे, तो वो आता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली इत्यादि। यूनियन टेरिटरी में आता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का भी कैपिटल है, हरियाणा का भी कैपिटल है, और प्लस वो यूनियन टेरिटरी भी है, तो चंडीगढ़ को हमने सेपरेटली भी लिख लिया है। पंजाब में भी आ जाते हैं, हरियाणा में भी आ जाता है, बट यूनियन टेरिटरी भी है, तो मैंने सेपरेटली भी ले लिया है। पंजाब जो है आप जानते हो कि पांच नदियां वहाँ पे, उसका नाम ही है पांच जल, तो पांच नदियों का जल वहाँ पे, फाइव लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। जम्मू कश्मीर को आप हेवन ऑन अर्थ, अगर कहीं पे हेवन है तो वो यही है, यही है, यही है, ये आपने सुना ही होगा, तो वो जम्मू कश्मीर को हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है। उत्तराखंड जो है माउंटेनियस रीजन है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर है, और उसको देवभूमि कहा जाता है इसलिए। फिर हिमाचल प्रदेश में भी माउंटेनियस रीजन है, जैसे उत्तराखंड में है वैसे ही। उत्तर प्रदेश जो है वो गंगा और यमुना का प्लेन से बना हुआ है ज़्यादातर। दिल्ली तो नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया है, आपको पता ही है, नेशनल इंडिया का कैपिटल भी है। तो अब हम फूड पर आते हैं, पंजाब का फूड, पंजाब और हरियाणा का फूड काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो पंजाब और हरियाणा के फूड को सिमिलर रखते हुए, ज़्यादातर वहाँ पे स्टेपल फूड में वीट खाया जाता है, वीट यानी कि गेहूँ, और वो भी तंदूरी रोटी गेहूँ से बनी हुई, वीट से बनी हुई। बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टफ्ड पराठे, अंदर में गोभी, आलू, मूली और भी बहुत सारी चीज़ें भरी हुई होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भरी हुई होती हैं पराठों में, पनीर भी भरा होता है। फिर पनीर बेस्ड मिक्स वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे लेकिन उसमें पनीर भी डालेंगे, और वहाँ पे छोले भटूरे इस तरह से भी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ऐसे सब। तो वहाँ पे एक ड्रिंक बहुत ज़्यादा पी जाती है, वो है लस्सी।
तो ये हो गया पंजाब और हरियाणा का खाना। फिर आते हैं हम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राइस, मीट और फिश। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जम्मू में तो नहीं लेकिन कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो राइस, मीट और फिश खाते हैं। वहाँ पे पानी भी काफ़ी है, डल लेक ऐसे वैसे बहुत सारी लेक्स है जिसमें काफ़ी फिश होती है, रिवर्स में भी काफ़ी फिश होती है, तो वो लोग राइस, मीट एंड फिश ठंड की वजह से भी खाते हैं। उत्तर प्रदेश में दाल रोटी राइस सिंपल खाना है, वेजिटेबल्स भूलिएगा नहीं, वेजिटेबल्स सब जगह खाए जाते हैं। अब ड्रेस पर अगर हम आए तो पंजाब और हरियाणा की ड्रेस, क्योंकि उनका खाना भी मिलता है, उनका कल्चर भी काफ़ी हद तक मिलता है, तो उनके खाना भी, ड्रेस भी काफ़ी हद तक मिलती है। जो आदमी है पंजाब में वो लूज शर्ट, झब्बो, कुर्ता, ठीक है, वो पहनते हैं, और सलवार नीचे में पंजाबी स्टाइल की, पगड़ी। पगड़ी का मैंने आपको बताया था ना कि सब जगह पे थोड़ा थोड़ा स्टाइल अलग होता है पगड़ी पहनने का, पगड़ी का किस तरीके से वो पगड़ी पहनते हैं, उसका कलर वलर सब डिफरेंट रहता है, तो पंजाब में थोड़ा डिफरेंट पंजाबी स्टाइल की पगड़ी पहनी जाती है, हेड गियर। फिर वो एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट भी पहनते हैं लूज शर्ट के ऊपर में, और औरतें जो हैं वो ज़्यादातर सलवार कमीज़ पहनती हैं। पूरे इंडिया में अब सलवार कमीज़ फैल गया है। कश्मीर में हम जाएं तो कश्मीरी ड्रेस विंटर की अलग रहती है, समर की अलग रहती है। विंटर में तो वो अपनी सारा ऊपर से लेके नीचे तक पूरे हाथ पूरे पैर कवर कर लेंगे, तो वुलन एंड पूरी बॉडी कवर करके, एंटायर कवरिंग एंटायर बॉडी उनकी ड्रेस होती है विंटर में। विंटर में वो लोग फिरन भी पहनते हैं, तो वुलेंस तो डेफिनेटली पहनेंगे पहनेंगे, और फिरन भी उनका जो होता है विंटर का फिरन वो वुलन का ही होता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पे भी बहुत ठंड होती है, बहुत पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ के भी ड्रेस जो है काफ़ी हद तक कश्मीर जैसा है। जेंट्स लोग जो हैं वो टोपी पहनते हैं, कैप पहनते हैं। यहाँ की टोपी जो है एक अलग किस्म की टोपी होती है, तो वो कैप पहनते हैं हेड पे, और वुमेन जो है स्कार्फ पहनते हैं सिर पे। उत्तर प्रदेश में अब हम आते हैं। उत्तर प्रदेश में आदमी लोग जो हैं मेन वो धोती, फेरना, फिर एक स्कार्फ भी बांधते हैं अपने सर पे पटका सा, और औरतें जो हैं वो सारी पेटीकोट ब्लाउज, सिंपल ड्रेस है। अब ड्वेलिंग पे आते हैं, नॉर्दर्न रीजन के रहने का घर कैसा है। सब जगह का घर क्लाइमेट और टोपोग्राफी रिलीफ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो पंजाब में बरसात थोड़ी कम होती है, इसके लिए फ्लैट टॉप रूफ होते हैं। अर्बन लोग जो हैं वो ब्रिक्स और सीमेंट की बिल्डिंग में रहते हैं, एमिनिटीज़ भी होती हैं वहाँ पे काफ़ी। जम्मू कश्मीर में आते हैं तो वहाँ पे अब ठंडा मौसम है, पहाड़ी है, बहुत ठंड है, तो वहाँ पे वुडन कंस्ट्रक्शन के घर बनते हैं, स्लोपिंग रूफ। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, स्लोपिंग रूफ से बर्फ और पानी जो है वो स्लाइड डाउन कर जाता है ऊपर, अगर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है तो वो घर कोलैप्स हो सकता है, उसकी रूफ टूट सकती है, इसके लिए वो स्लाइडिंग रूफ, स्लोप वाली रूफ रखी जाती है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हम आए तो यहाँ पे ज़्यादातर 2 स्टोरी के घर होते हैं, 2 माले के घर होते हैं। नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, तो वो उनका फंडा ऐसा है कि जानवरों की जो हीट है उससे ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे भी हीट आ जाएगी, और फ्लोर जो है वो सीमेंट का नहीं, वो वुडन फ्लोर रखते हैं ताकि जानवरों की हीट से ऊपर भी थोड़ी हीट आ जाए, थोड़ी गर्मी आ जाए, तो इसके लिए वो लोग ये 2 फ्लोर का घर रखते हैं, और उसमें जो वुडन
ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में सीमेंट के बदले वुडन रहता है। रूफ्स जो होती है वो स्लोपिंग रहती हैं ताकि बर्फ़ और पानी नीचे आ जाए, और वो स्मूथ रॉक की रूफ बनाई जाती है, स्लोपिंग रूफ, ताकि वो स्नो जो है वो वहाँ पे फंसे नहीं, वो स्लाइड करके नीचे आ जाए आराम से, स्लाइड जैसे बच्चे स्लाइड करके खेलते हैं ना स्लाइड पर, वैसे ही वो स्मूथ रॉक का बनाया हुआ होता है उन्होंने रूफ, तो वो नीचे आ जाती है बर्फ। उत्तर प्रदेश में ब्रिक्स और सीमेंट के घर बनते हैं। अब हम आते हैं लैंग्वेज, नॉर्दर्न रीजन की लैंग्वेज। पंजाब और हरियाणा में पंजाबी और हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में डोंगरी, कश्मीरी, उर्दू ये भाषाएं बोली जाती है, लद्दाख में लद्दाखी और तिब्बतियन लैंग्वेज बोली जाती है। वो टिबेट के, तिब्बत के बहुत पास में, तो वहाँ पे तिब्बतियन लैंग्वेज भी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू बोली जाती है। उत्तराखंड में हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊं, मतलब गढ़वाली कुमाऊं डायलेक्ट की बोली जाती है। फिर हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी बोली जाती है, और वो तो हम आपको बता ही चुके हैं कि हर एरिया में, हर स्टेट में जो भाषा बोली जाती है वो थोड़ा थोड़ा उसका डायलेक्ट बदलता जाता है कुछ कुछ दूरी पे। तो रिमोट्स में और अर्बन एरिया में वैसे ही थोड़े से लैंग्वेज का फ़र्क हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा एरिया आगे जाते जाओगे तो उसका डायलेक्ट चेंज होता जाएगा, वो तो यूनिवर्सल है पूरे इंडिया के लिए। अभी हम आते हैं फेस्टिवल्स, पंजाब का फेस्टिवल। पंजाब में बैसाखी, बैसाखी के दिन क्या हुआ था, जलियांवाला बाग भी हुआ था, ठीक है। तो बैसाखी, लोहड़ी, लोहड़ी जो है जनवरी 14 के आसपास, जनवरी 13 को लोहड़ी मनाई जाती है, 14 को उत्तरायण और मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो लोहड़ी जो है वो 13 जनवरी को मनाई जाती है, उत्तरायण या मकर संक्रांति से एक दिन पहले। फिर डांस जो है पंजाब का है भंगड़ा, आदमी भंगड़ा करते हैं, औरतें भी करती हैं, लेकिन औरतों का एक अलग डांस भी होता है जिसको गिद्दा कहते हैं। तो फिर जम्मू कश्मीर में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स, वो है ईद, मुहर्रम और फेस्टिवल्स भी है जैसे लोसर, हेमिस। लद्दाख में, लद्दाख का कल्चर टोटली डिफरेंट है और जम्मू कश्मीर का कल्चर टोटली डिफरेंट है, टोपोग्राफी भी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि लद्दाख में ठंड बहुत है लेकिन सूखा, ड्राई है, रेगिस्तान, मतलब कोल्ड कोल्ड डेजर्ट समझ लीजिए आप उसको, पानी कम होता है वहाँ पे लद्दाख में, याक भी मिलता है वहाँ पे, ठंड बहुत होती है, ऑक्सीजन की भी बहुत कमी होती है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल में आता है दशहरा, विजयदशमी, दशहरा। कुल्लू में बहुत स्पेशल तरीके से दशहरा मनाया जाता है और कुल्लू का दशहरा बहुत फेमस है, दुनिया भर से लोग आते हैं देखने के लिए। उत्तर प्रदेश में हम आते हैं, उत्तर प्रदेश के फेस्टिवल्स में होली, वहाँ पे कृष्ण जी रहे थे, कृष्ण जी होली काफ़ी खेलते थे मथुरा, वृंदावन ये सब में, तो होली जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा खेली जाती है, बहुत बड़ा फेस्टिवल हो जाता है। और उसके अलावा राम, अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में आता है, राम जी का जन्म वहीं पर हुआ था, तो राम नवरात्रि, रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्म जो है वो भी वहीं पर हुआ था मथुरा में, तो जन्माष्टमी, दशहरा, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, इंडिया पूरा में पूरा बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं तो सब तरह के त्यौहार सब जगह मनाए जाते हैं। फोक डांस में जो यहाँ का है वो कथक है, कथकली आपने नाम सुना होगा,
तो कथकली या कथक यहाँ का फोक डांस है उत्तर प्रदेश का। नॉर्दर्न रीजन के फेयर मेला, तो मेले में अब पंजाब में मार्टियर्स फेयर, शहीदी दिवस, शहीदी दिवस पे मेला मार्टियर्स फेयर। तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा का मेला, कुल्लू जगह है, कुल्लू मनाली, तो कुल्लू जगह पे दशहरे का मेला मनाया जाता है। उत्तराखंड में कुंभ और अर्ध कुंभ मनाया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, वहाँ पे भी कुंभ और अर्ध कुंभ मनाया जाता है, और कुंभ के अलावा माघ मेला भी मनाया जाता है। माघ एक महीना होता है, उस महीने में भी मेला मनाया जाता है, तो उसको माघ मेला कहते हैं। अब हम आते हैं सदर्न रीजन। अभी तक हमने वेस्टर्न रीजन और फिर नॉर्दर्न रीजन किया, अब हम सदर्न रीजन में आते हैं। सदर्न रीजन में क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, और साथ में बरसात भी बहुत होती है, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो जो रहना सहना खाना पीना घर वगैरह, वो क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका फर्क पड़ता है। तो उसी तरीके से जो आदमी लोग हैं यहाँ पर, वो लूज गारमेंट खुले कपड़े पहनते हैं, जैसे लुंगी पहरान, खेस खेस शोल्डर पे, और कभी कभी वो पगड़ी भी पहनते हैं। यहाँ की पगड़ी डिफरेंट है, यहाँ की पगड़ी थोड़ी छोटी रहती है, नॉर्दर्न एरिया में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो पगड़ी भी मोटी होती है, ठीक है, पगड़ी बड़ी साइज़ की होती है और मोटी होती है, यहाँ की पगड़ी थोड़ी छोटी साइज़ की होती है। विमेन जो हैं वो साड़ी पहनती हैं, पेटीकोट ब्लाउज, उनकी साड़ी पहनने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको सदर्न स्टाइल की साड़ी कहा जाता है। केरला में आदमी जो है वो लुंगी पहनते हैं, शॉर्ट धोती, मुंड भी पहनते हैं, उनके स्पेशल ओकेजन पे मुंड पहना जाता है। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं बता रहा हूँ। वुमेन जो है वो वेणी पहनते हैं, वेणी जो होता है वो फ्लावर से बनाया जाता है, जैसे गजरा उस टाइप का सिर पे पहना जाता है, फ्लावर की स्ट्रिप्स, वो उसको धागे से पुरो के उसकी लंबा बना लेते हैं, माला जैसा, माला तो नहीं उस तरीके का बना लेते हैं, गजरा जैसा, उसको वेणी कहते हैं वहाँ पे। तो फ्लावर स्ट्रिप्स अपने सिर पे पहनती है। अब आते हैं सदर्न रीजन के ड्वेलिंग्स पर, ड्वेलिंग यानी कि घर। तो घर ज़्यादातर यहाँ पे ब्रिक और सीमेंट के होते हैं। बैंगलोर और चेन्नई में जो घर है वो मॉडर्न हाउसिंग है, बहुत मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे, और बहुत मॉडर्न घर हैं, बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स भी हैं। और सी कोस्ट के पास में जो घर बनते हैं वो ज़्यादातर कोकोनट, उसमें बहुत यूज़ होता है कोकोनट की पत्तियाँ, कोकोनट की पेड़ की और छाल, और ये सब बहुत यूज़ होता है उनके घरों में सी कोस्ट पे। रंगोली जो है साउथ के घरों में एक तरीके से डेली मनाई जाती है, गुजरात वगैरह में कई एरियाज़ में रंगोली मनाई जाती है, लेकिन वो दिवाली या और किसी फेस्टिवल के आसपास में मनाई जाती है, यहाँ पे एक तरीके से डेली ही रंगोली मनाई जाती है साउथ में। लैंग्वेज जो है वो द्रविड़ फैमिली की लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती है, द्रविड़ियन लैंग्वेजेस। द्रविड़ से मेरा मतलब राहुल द्रविड़ नहीं है, द्रविड़ियन एरिया है, तो द्रविड़ियन लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती हैं। कर्नाटका में कन्नड़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम, तो ये वहाँ की लैंग्वेजेस हैं। अब हम आते हैं फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। आंध्र प्रदेश का जो डांस है वो होता है कुचिपुड़ी डांस। फेस्टिवल वहाँ पे जो मनाया जाता है वो है शिवरात्रि, मकर संक्रांति, बैसाखी। बैसाखी जो है वो
पंजाब में मनाया जाता है, यहाँ पे भी मनाया जाता है लेकिन यहाँ पे उसका नाम कुछ और होता है, बैसाखी नहीं होता है यहाँ पे नाम। ठीक है, आपकी बुक में बैसाखी लिखा है तो बैसाखी रख लीजिए। फिर कर्नाटका में मैसूर, मैसूर में दशहरा बहुत फेमस है, ईद और नवरात्रि भी मनाई जाती है वहाँ पे। केरला में फोक डांस जो है वो है कथकली, बहुत ही डरावने से शक्ल बना के वो डांस करते हैं, तो वो कथकली डांस होता है। फेस्टिवल्स में ओणम, क्रिसमस, ईद, शिवरात्रि, विशु, ये सब फेस्टिवल्स वहाँ पे मनाए जाते हैं। फिर तमिलनाडु पे हम आते हैं, तो तमिलनाडु का फोक डांस जो है वो भरतनाट्यम है, और फेस्टिवल्स में पोंगल आ जाता है। तो अब हम आते हैं ईस्टर्न रीजन। हमने आपको पहले ही बताया था कि कहीं पे भी जहाँ पे भी सी कोस्ट आती है वहाँ पे सी कोस्ट वाले एरिया में राइस एंड फिश जरूर रख लीजिएगा खाने पीने में। और तो वो सदर्न रीजन में काफ़ी जगह पे आप राइस एंड फिश डाल सकते हो। अब हम आते हैं ईस्टर्न रीजन के फोक लाइफ पे। तो सबसे पहले हम रीजन को डिफाइन कर देते हैं, ईस्टर्न रीजन को। ईस्टर्न रीजन में आ जाता है बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, तो ये सारा एरिया वहाँ पर आ जाता है। अब सी कोस्ट जो यहाँ पर है वो सिर्फ ओडिशा और वेस्ट बंगाल में है, बाकी कहीं पे सी कोस्ट नहीं है। अगर सदर्न रीजन में देखा जाए तो तेलंगाना को छोड़ के सब एरिया में सी कोस्ट था, हर स्टेट में सी कोस्ट था, और यहाँ पर ओडिशा और वेस्ट बंगाल में ही सी कोस्ट है, बाकी कहीं सी कोस्ट नहीं है ईस्टर्न रीजन में। फूड जो है यहाँ का वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में रोटी, वेजिटेबल, लेकिन राइस ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, रोटी, वेजिटेबल, दाल, साथ में राइस ज़्यादा, वीट से ज़्यादा राइस। माउंटेनियस रीजन भी यहाँ पे है, वहाँ पे माउंटेनियस रीजन में राइस जो है वो स्टेपल डाइट रहती है, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाए जाते हैं। यहाँ की जो स्वीट डिश है वो रसगुल्ला, संदेश और बंगाली टाइप की मिठाइयाँ जो होती हैं वो यहाँ पे खाई जाती हैं और बहुत फेमस हैं, पूरे इंडिया में फेमस हैं, लेकिन वो यहाँ की है। फिर बिहार में एक डिश होती है सत्तू, वो बहुत खाया जाता है, उसको साथवो लिखा हुआ है लेकिन सत्तू के नाम से ज़्यादातर सब लोग जानते हैं उसको पूरे इंडिया में। आसाम में टी उगाई जाती है और टी पी भी जाती है, तो आसाम की ड्रिंक अगर आप कहो तो चाय टी है, और टी पूरे इंडिया की भी ड्रिंक है, सिर्फ आसाम की नहीं है। ड्रेसिंग में अगर हम आते हैं ईस्टर्न रीजन में, तो बिहार, झारखंड, आसाम, उड़ीसा, यहाँ की ड्रेस काफ़ी हद तक सेम सी बताई गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा सेम नहीं होती है। खैर, फिर भी उसको जनरल क्लासिफिकेशन में अगर कहा जाए तो धोती, जब्बो, खेस शोल्डर पे, और पग यानी कि पगड़ी, ये यहाँ की आदमियों की ड्रेस है। धोती, जब्बो, खेस शोल्डर पे, कंधे पे, पग सिर पे, हेडगियर। विमेन जो हैं, औरतें, वो साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज ये पहनती हैं। बंगाल में हम आते हैं, तो बंगाल में आदमी जो है धोती पहनते हैं, वो धोती जो है वो प्लेट वाली होती है, मतलब वो फोल्ड कर कर के आगे से प्लेट बनाते हैं, और उस तरह की एक डिफरेंट टाइप की धोती पहनते हैं जिसमें प्लीट्स या प्लेट्स कह लो आप, फोल्ड्स करके बनाते हैं धोती को, उस तरह का धोती पहनते हैं, और सिल्क का जब्बो पहनते हैं, तो सिल्क यानी कि रेशमी टाइप का। औरतें जो हैं साड़ी पहनती है, साड़ी उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है बंगाली स्टाइल की। अब ड्वेलिंग्स पर आते हैं, रहना कैसे करते हैं ये लोग, तो
तो प्लेन एरिया में हाउस जो घर जो बने हुए होते हैं वो ब्रिक और सीमेंट के बने हुए होते हैं, माउंटेनियस एरिया में जो घर बने होते हैं वो लकड़ी के और बैम्बू के बने होते हैं। बैम्बू उस एरिया में बहुत है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे बैम्बू बहुत उगता है, तो वहाँ पे बैम्बू के घर बनाए जाते हैं। और जो हैवी रेनफॉल एरियाज़ है वो यूनिवर्सली कहीं पे भी देख लीजिए पूरे इंडिया भर में, तो स्लांटिंग रूफ होती है और वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बरसात भी बहुत होती है, तो यहाँ पर स्लांटिंग रूफ आएगी। बंगाल में पुकुर, घर के पीछे में एक छोटा सा पॉन्ड पुकुर होता है जहाँ पे वो फिश पालते हैं। फिश वो लोग बहुत खाते हैं बंगालीज, तो फिश वो अपने हर घर के पीछे में एक छोटा सा तालाब बना के उसके अंदर फिश पालते हैं और फिश खाते हैं डेली हर रोज़। अब लैंग्वेज पे आ जाते हैं, ईस्टर्न रीजन की लैंग्वेज। तो हिंदी बोली जाती है झारखंड बिहार और छत्तीसगढ़ में, मैथिली भोजपुरी मागुडी मगधी, मगध एरिया है तो वहाँ पे मगधी बोली जाती है। ये सब डायलेक्ट्स हैं बिहार में, तो अलग अलग डायलेक्ट्स के हिसाब से वो लोग बोलते हैं लैंग्वेज अपनी। हर एरिया में डायलेक्ट चेंज हो जाता है, असम में असामी, ओडिशा में उड़िया, वेस्ट बंगाल में बंगाली, मेघालय में गारो खासी, मिजोरम में मिजो डायलेक्ट। तो इस तरीके से लैंग्वेज भी थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है सब जगह की। अब ईस्टर्न रीजन के डांस स्टाइल, फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज पे आते हैं। उसमें डांस स्टाइल अगर कहा जाए तो असम में बिहू, ओडिशा में ओडिसी नृत्य। फेस्टिवल्स और हॉलीडेज़ पे आते हैं तो जगन्नाथ रथ यात्रा, चैरियट प्रोसेशन, रथ यात्रा, आपने बहुत सुना होगा रथ यात्रा के बारे में, तो वो ओडिशा में होती है, जगन्नाथ पुरी में, जगन्नाथ एक जगह है वहाँ पे, तो जगन्नाथ रथ यात्रा। फिर छठ और भाई दूज मनाई जाती है बिहार में, ये दिवाली के जस्ट बाद में आती है छठ, शायद 9th डे आफ्टर दिवाली ये आती है छठ, नहीं सॉरी 6th डे, 6 दिन के बाद में दिवाली के छठ पूजा आती है। और बिहार में दूसरा मतलब छठ पूजा से पहले भाई दूज आ जाता है जो 2nd डे आफ्टर दिवाली कह लो। फिर वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत मनाई जाती है, इनफैक्ट पूरे के पूरे ईस्टर्न रीजन में मनाई जाती है, लेकिन वो मेन त्यौहार जो है दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का है। काली पूजा भी है वहाँ का त्यौहार, बुक में नहीं लिखा हुआ। फिर जैसे हर एरिया का खाना पीना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो तेल भी थोड़ा डिफरेंट होता है। अब पूरे इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइप के ऑयल सीड्स उगते हैं, जो तिलहन जिसको आप कहते हो, तो वो अलग अलग टाइप के जो एरियाज़ में जिस एरिया में जो उगता है उस एरिया में उसी का तेल खाया जाता है। सदर्न एरिया में जो है कोकोनट बहुत उगता है, सी कोस्ट है तो कोकोनट बहुत उगता है यानी कि नारियल, तो वहाँ पे नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल यूज़ होता है। नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड यानी कि सरसों बहुत उगता है, तो वहाँ पे सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, आपने उसको और भी नाम से सुना होगा, कच्ची घाणी सरसों का तेल इस तरह से सुना होगा। तो अलग अलग तरीके हैं तेल निकालने के, उसमें से एक तरीका है कच्ची घाणी। फिर वेस्टर्न इंडिया में गुजरात में ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली यानी कि सींग बहुत उगता है, तो वहाँ पे ग्राउंडनट ऑयल खाया जाता है, सींग का तेल। और इसी के साथ हम चैप्टर के एंड पर आ जाते हैं, तो अनटिल द नेक्स्ट चैप्टर, wish you all the best.